नमस्कार दोस्तों, ये टॉप लैंड का 5 HP इंजन, ये चलते चलते धुआं देकर एकदम से बंद हो गया है। दोस्तों इसको हम ऐसी स्थिति में सबसे पहले ट्राइपॉड को चेक किया जाता है। इंजन अगर इस स्थिति में बंद होता है तो सबसे पहले ट्राइपॉड को चेक किया जाता है कि स्प्रिंग इसकी तो नहीं टूटी हुई है वाल की, लेकिन इसमें दोस्तों स्प्रिंग नहीं टूटी है। इसमें जो है जो ट्राइपॉड चिड़िया होती है उसका एडजस्टिंग नट खुल गया है, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे हाथ से ही ये घूम रहा है, जिससे कि इसकी जो साइलेंसर वाली वाल है वो काम करना बंद कर दिया था। इसको अब हम मिलाएंगे पेचकस से, इसको पहले के ही तरह एडजस्ट करना होगा। अगर ये सेट नहीं होगी तब भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसको एक कंप्रेसर पर लाकर रोकेंगे, इसके बाद में इसको हम सेट करेंगे। इसमें दोस्तों जब बंद होता है इस स्थिति में इंजन ट्राइपॉड से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपका इंजन काला धुआं देकर एकाएक बंद हो जाएगा। फिर उसमें कंप्रेसर भी नहीं होगा और आपका इंजन जाम जाम चलने लगेगा और जाम भी हो सकता है क्योंकि उसमें कंप्रेसर नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति होने में सबसे पहले आप ट्राइपॉड को ही चेक करें कि यह दिक्कत केवल ट्राइपॉड से और स्प्रिंग टूटने से या ट्राइपॉड नट खुलने से या चिड़िया टूटने से ये स्थिति आती है। अगर एक एडजस्टिंग नट खुला है तो आप जब मिलाएं तो दोनों को सेट कर लें। दोस्तों ये जो ऊपर नट लगा हुआ है ये जब ढीला रह जाता है फिर आपका एडजस्टिंग नट खुल जाता है, फिर ये दिक्कतें आ जाती है। कभी कभी तो इससे पुश रॉड जो है वो हट भी जाता है, इससे फिर आपको ट्राइपॉड को खोलकर हटाना भी पड़ सकता है और कुछ टूट भी सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।